क्या है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1617 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एक सिलेंडर का क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया दिया है, ठीक है। इफ़ द डायमीटर ऑफ अ बेस इज 21 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर दिया है। देन व्हाट इज़ अ वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr r + h होता है, होता है। एक क्वेश्चन में कितना दिया है, 16-17 दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। आर की वैल्यू क्या दी है, डायमीटर दी है 21, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू 21/2 हो जाएगी। इसको करिए सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 इंटू क्या है, 22/7, पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, ठीक है। और आर की वैल्यू कितनी, 21/2, इसको करेंगे तो क्या आएगी आपकी, 21/2 प्लस करना है क्या, एच की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, 1617। इसको करिए सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, 7 1 जा 3 जा 11 जा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से आपका, 21+2h, ठीक है ना, अपॉन क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 2 से क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 30, इसमें कितना हो जाएगा आपका, 11/3, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1617, ठीक है। इसको करिए क्या आप, 11 से चला आएगा, 11 3 से काट के देखिए, ठीक है, तो 3 1 जा 3 5 जा और 3 3 जा और 2 9 जा, ठीक है। इसके बाद 11 से जाएगा तो 11 4 जा 44 और 9 जा, तो कितना, 49 आ गया, ठीक है। इक्वल टू कितना आ गया, इक्वल टू 21+h आ गया, तो कितना है, 2h, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2h, ठीक है। अब 2h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2h इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 49-21, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, h की वैल्यू कितनी है, 41 आएगी, तो h की वैल्यू तो आ गई 41 सेंटीमीटर आ गई। आपसे क्या पूछा, वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या, वॉल्यूम ऑफ आपका जो क्या होता है सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, और आर की वैल्यू क्या थी आपकी, 21/2, ठीक है, इनटू क्या होगा, 21/2, ठीक है, 21/2। और आपने अभी क्या निकाला, एच निकाला, एच कितना निकाला, 14 निकाला, इनटू करिए क्या, 14 का, ठीक है। इसको करिए सॉल्व करिए तो क्या होगा आपका, 7 3 जा, ठीक है, 2 1 जा 11 जा और 7 जा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 11, और यहाँ से क्या आएगा आपका, यहाँ से आएगा 3 × 3 × 21 × 7, इसको करिए सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका, 33 × 7 1 जा 7 7 2 जा 14, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो 4851 सेंटीमीटर क्यूब क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 48151 इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों।